पर खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगाबेडी मेले में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल और सदस्य प्रेमचंद शर्मा, मानव तस्करी यूनिट प्रभारी इंद्रचरण चंद्र मीणा ने के नेतृत्व में भीजावृत्ति करते हुए 12 बच्चों को दस्तयाब कर बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। जितेंद्र गोयल ने बताया कि भिक्षावृत्ति की शिकायतें मिलने के बाद जिला कलेक्टर अथवा डिडेल के निर्देशों पर गोगा स्तुभी को बाल कल्याण समिति, बालक तस्करी विरोधी यूनिट और पुलिस द्वारा संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए 12 बच्चों को दस्तयाब किया गया। इन बच्चों को दस्तयाब हनुमानगढ़ राजकीय संप्रेक्षण गृह में भेजा गया। खबर सिकंदरा से, जहां पर पंचवास समिति के भंडारी गांव में शक्ति माता सेवा समिति के तत्वाधान में शक्ति माता की द्वितीय पदयात्रा गाजोबाजे के साथ रवाना की गई, जिसमें यात्रा के पूर्व विधि विधान से ध्वज पूजन किया गया, जिसके बाद जिला परिषद सदस्य ममता सैनी, डॉक्टर कल्याण साहेब बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। वहीं पदयात्रा में बड़ी संख्या में गांव के महिला और पुरुषों ने भाग लिया। साथ ही इस दौरान वीरवर सैनिक आदलागर राज, प्रसाद मीना डोलिका, पूर्व सरपंच लक्ष्मण फौजी बाबूलाल सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खबर अजमेर से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कांस्टेबल को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। वहीं एसीबी अधिकारी ने बताया कि परिवादी देवेंद्र सिंह ने शिकायत की कृष्णगंज थाने का कांस्टेबल सुशील कुमार उसकी मदर के खिलाफ एनआईए एक्ट वारंट में गिरफ्तारी होने की बात कर रिश्वत मांग रहा है। शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन करते हुए कांस्टेबल को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। फिलहाल एसीबी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिवादी देवेंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट दी थी कि कृष्णगंज थाने का कांस्टेबल है सुशील कुमार, जो उसकी मदर का एनआईए एक्ट का गिरफ्तारी वारंट का भय दिखा के उससे पैसे मांग रहे, पहले भी पैसे ले चुका हुआ और अभी उसने 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा था, जिसका वेरिफिकेशन कराया और आज उसको कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस पर प्रकरण दर्ज हुआ है, अनुसंधान जारी है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर रक्षाबंधन के दिन से शुरू हुई गोगामेडी मेले के आयु कड़ी सुरक्षा के बीच देश भर में श्रद्धालु पहुंचने, उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेडी मेला परवान पर चल रहा है। मेले में 200 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही विभिन्न जिलों के 1500 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई, इनकी मॉनिटरिंग 2 ASP और 7 DSP कर रहे हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में देश भर के करीब 10,00,000 श्रद्धालु भाग लेंगे। आपको बता दें कि गोगामेडी मेले में व्यवस्थाओं का विजिट करने के लिए जिला कलेक्टर नथवर डिडेल व SP अजय सिंह ने मेला क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरे मेले में क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद पाई गई, जिस कलेक्टर व SP की व्यवस्थाओं के बारे में स्थानीय प्रशासन की प्रशंसा की।